नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। सिनेमा और टीवी के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मनोरंजन का नया ठिकाना बन चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी किए। इन सब पर बात करने से पहले हम जानेंगे कि आखिर ओटीटी है क्या और इसकी लोकप्रियता इतनी भारत में क्यों बढ़ती जा रही है। यह छोटा सा ग्राफ आपको यह बताने के लिए काफ़ी है कि भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2017 से लेकर 2020 के बीच में किस तरीके से अपना फैलाव किया है। अगर आप देखेंगे तो 2019 के बाद से इसका प्रचलन लगभग बढ़ना शुरू हुआ। जो कोरोना काल में इतनी तेजी से बढ़ा, उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक था कि इंटरटेनमेंट का मात्र यही एक जरिया रहा। ओटीटी यानी ओवर द टॉप, जो कि इंटरनेट के माध्यम से मीडिया कंटेंट उपलब्ध कराते। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। अमेरिका में इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि यह पूरे विश्व में फैल गया। भारत में ओटीटी की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लंबा वक्त नहीं हो पाया, लेकिन इसकी लोकप्रियता काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए वरदान साबित हुआ है। लॉकडाउन के दौरान सिनेमा घर बंद होने की वजह से लोगों के पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या टीवी पर सास बहु ड्रामा देखें या तो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नए नए कंटेंट का मजा लें, और लोगों ने चुना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। कई फिल्में भी लॉकडाउन के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई गई, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोगों के बीच बना वेब सीरीज। सीरीज में नई नई कहानियों के साथ संवाद में गाली गलौज और सेक्स जैसे सीन दिखाए गए। इसकी लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इसका विरोध भी होने लगा। जाहिर सी बात है, संवाद में गाली गलौज अश्लील दृश्य दिखाएंगे के चलते ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। बता दें कि लगातार विरोध होने के बाद से ही अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, Z5 समेत 15 कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने सेल्फ सेंसरशिप कोड साइन किया, जिसके तहत जो भी निर्माता वेब सीरीज को रिलीज करेगा उसके बाद उसे रेटिंग्स दी जाएगी और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दर्शकों को दिखाई जाएगी। ओटीटी सरकार के लिए चिंता का विषय शायद कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की अपनी किसी योजनाओं को कभी इस प्लेटफॉर्म पर वायरल होने का डर भी हो सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रही वल्गर चीज़ों को रोकने के लिए सरकार की कवायद अपनी जायज हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे इसका बढ़ता प्रचार प्रसार और लोगों के बीच में क्रेज सरकार की नींद उड़ा रहा है। नींद इसलिए उड़ा रहा है कि जिस तरीके से YouTube, Facebook और यह OTT प्लेटफॉर्म पहले सरकार के अपने प्रचार प्रसार का तरीका था, आज वही उनके विरोधियों के लिए प्रचार प्रसार का भी तरीका है। यह कहीं पोल खोल अभियान का भी हिस्सा बन सकता है। शायद सरकार को इस बात का भी डर है। क्या यह मौलिक अभिव्यक्ति की आज़ादी का, उसके ऊपर लगाम लगाने का कोई हिस्सा तो नहीं साबित होगा? शायद इस पर सरकार ने खूब गहरे से विचार विमर्श जरूर किया होगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, G5 और बाकी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पर चल रहे नेटवर्क हैं सामग्रियां परोस रहे हैं, जाहिर सी बात है ऐसा लग रहा है कि विदेशों का कचरा अब भारत में आ रहा है, और अगर यह कचरा हमारी संस्कृति और आम जीवन का हिस्सा बन गया तो यकीन मानिए भारत तबाह और कूड़े के पहाड़ जैसा ही कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि दिल्ली के चारों तरफ केजरीवाल जी ने लगा रखा है। केंद्र सरकार ने ओटीटी के अपने रसूख को नियंत्रित करने के लिए, जिससे कि यह बेलगाम ना हो जाए, सभी न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया, यूट्यूब और इस तरीके के ओटीटी प्लेटफॉर्म को अब गवर्नेंस में रखने की कवायद की है, और इसी वजह से अभी एक बिल पास किया गया है जिससे अब यह सब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत नियंत्रित होंगे। उनकी भी अपनी कानूनी प्रक्रिया होगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और प्रिंट मीडिया के लिए होता है। सरकार की यह कवायद अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका फायदा कितना मिलेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा।